तो तस्वीरें भी हम लगातार अपने लगातार को दिखाते लोग रहे। आ रहे हैं, हम जरा उस तरफ चलते हैं, जरा लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से चले आ रहे हैं? दारानगर। कितनी दूर है यहाँ से? बस 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूर है, तो नमाज अदा करने के लिए आ रहे हैं। सर, आप कहाँ से चले आ रहे हैं, किस इलाके से? जलालीपुरा। जलालीपुरा, तो ये जलालीपुरा से आ रहे हैं, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। कई नमाजियों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि वो शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए खास तौर पर ज्ञानवापी मस्जिद आते हैं। अगर जुमा ना हो तो वो अपनी नमाज घर के बगल वाली मस्जिद में करते हैं, लेकिन जुमा और मस्जिद जो जुमा और ईद की नमाज खास तौर पर वो ज्ञानवापी करने के लिए पहुंचते हैं। बिल्कुल, देखिए पवन, आपको याद होगा कि जब सर्वे शुरू होने वाला था, जब इसका पहला टेन्योर था, तब भी जुमे की नमाज थी और तब भी काफी कयास लगाए गए थे, लेकिन प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की थी और जिन लोगों ने विरोध किया था उन्हें शांत किया गया था। हालांकि बीच में माहौल जरूर बिगड़ा था, लेकिन जैसा कि काशी सामाजिक सौहार्द की मिसाल हमेशा से रहा है और यहाँ से संदेश जाता भी है, उस दिन भी संदेश गया था और ऐसी ही उम्मीदें अभी भी हैं कि पूरी शांति के साथ, दोनों पक्षों की आपसी सहमति के साथ यहाँ का जो माहौल है वो ठीक रहेगा और जो सर्वे की टीम है वो सर्वे करने जा सकेगी। देखिए, मुस्लिम पक्ष की आपत्ति ये थी, कि कोर्ट कमिश्नर बदले जाएं, लेकिन अब वो तो नहीं बदले गए, अजय मिश्रा, उनके साथ दो और वकील नियुक्त किए गए हैं। हम मस्जिद भी दिखाएंगे, कैमरा सहयोगी से हम कहेंगे कि वो मस्जिद की तस्वीरें भी दिखा दें, वो बता दें कि कहां पर है काशी विश्वनाथ मंदिर और कहां पर है मस्जिद। तस्वीरें समझा देते हैं, ये गेट नंबर 4 है, ये काशी विश्वनाथ परिसर है। ये परिसर बहुत सारे घरों की जमीन का अधिग्रहण करके बनाया गया है और इसी परिसर के अंदर मौजूद है वो ज्ञानवापी मस्जिद, जिसको लेकर कोर्ट ने ये आदेश दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर ही ये जो आप लोहे के सरिये देख रहे हैं, एक बैरिकेडिंग की गई थी और इस बैरिकेडिंग के पीछे मस्जिद है और इसके चारों तरफ मंदिर परिसर है। सिर्फ जुमे के दिन और ईद के दिन इस मंदिर के मस्जिद के दरवाजे खुलते हैं और इसी गेट नंबर 4 के जरिए नमाजी पुलिस चेकिंग से होते हुए अंदर दाखिल होते हैं और नमाज अदा करते हैं। प्राची, बिल्कुल, देखिए हमने तस्वीरें दिखा दी, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दें कि देखिए एक याचिका दिल्ली की महिलाओं ने दायर की थी जिस पर ये सर्वे हो रहा है, कोर्ट ने जिस पे सर्वे का आदेश दिया था। दरअसल गौरी शंकर, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में मौजूद है, उस गौरी शंकर में पूजा करने की इजाजत महिलाओं की तरफ से मांगी गई थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सर्वे का आदेश दे दिया, हालांकि तहखाने में घुस नहीं पाई थी सर्वे की टीम, इसलिए कोर्ट को दोबारा सुनवाई करनी पड़ी क्योंकि आपत्ति मुस्लिम पक्ष ने लगाई। और जब दोबारा कोर्ट ने सुनवाई की आदेश दिया तो एक एक लाइन साफ कर दी है कोर्ट ने कि सर्वे तो होकर रहेगा, कैमरा तो जाकर रहेगा, अगर कोई विरोध करता है पवन तो फिर उसे सख्ती का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, कोर्ट ने अब की बार आदेश में कोई शंका नहीं छोड़ी, काफी स्पष्ट और सख्त आदेश दिया है। उसमें कहा गया है कि अगर कोई ताला तोड़ना पड़े या खोलना पड़े वो ताला भी खोला जाएगा, जिसमें बेसमेंट भी शामिल है उसकी वीडियोग्राफी होगी, चप्पे चप्पे के फोटोज और वीडियोज लिए जाएंगे। जो एक दीवार है जिसको लेकर पूरा ये तथ्य है कि मंदिर के हिस्से की वो दीवार है जिसके ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है, वो दीवार दूसरी तरफ है। अगर हम आपको उधर लेकर जाने की कोशिश करें तो जैसे ही आप इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे, ये मुख्य मंदिर है और ये जो ज्ञानवापी परिसर है इसके बगल से आप अगर झांकेंगे तो आपको वो हिस्सा स्पष्ट दिखाई देता है। अगर आप गेट के अंदर से देखेंगे तो आपको मंदिर से मेलजोल खाती हुई ये सामने इस रेलिंग के अंदर की दीवार दिखाई देगी। उस पे नक्काशी और पत्थर का जो काम हुआ है वो बिल्कुल मंदिर की तरह है और यही सबसे बड़ा तर्क हिंदू पक्ष की तरफ से दिया जा रहा है कि मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी और इसके अंदर अभी भी शिवलिंग मौजूद है। जो नंदी विराजमान है मंदिर परिसर के अंदर, उसका मुख भी यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद की ओर है, ऐसा दावा किया जाता है। बिल्कुल, देखिए सर्वे चूंकि अब होना है, कल से सर्वे की शुरुआत होनी है, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में दोनों पक्षों के वकीलों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं। यह संपूर्ण परिसर की कार्रवाई होगी, कहीं भी कोई बाधा उत्पन्न होता है ऐसी दशा में जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और उत्तर प्रदेश प्रशासन इसमें सहायक होगा, सहयोग करेगा।
मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा था कि पिछला जो आदेश है उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिद में कहाँ तक जाना है नहीं जाना है, तो वो क्लियर इस आदेश में हो गया। वो सभी समस्याओं का निराकरण समाधान इस बार कर दिया गया। जहाँ ताले लगे हुए हैं वहाँ पे ताले तोड़ के भी बैरिकेडिंग के अंदर जाके और ये अराजक मानसिकता का निवारण कर दिया गया है। और इस विषय में यह सांस्कृतिक न्याय की लड़ाई में महादेव की कृपा हमें प्राप्त हुई है। कोर्ट ने उसके विपरीत जाकर कहा कि नहीं, बैरिकेटर के अंदर जाकर कमीशन कार्रवाई की जाएगी और जबरदस्ती की जाएगी, नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ FIR की जाएगी जो विरोध करेंगे और उन्हें बंद किया जाएगा विभिन्न धाराओं में जो भी उचित धाराएं होंगे। उन्होंने सरकार पर भी काफ़ी आरोप लगा दिए, जबकि पहले ऐसा कोई आदेश नहीं था तो सरकार क्या कर सकती थी, मजबूर थी सरकार के तंत्र मजबूर थे उस समय। जब आदेश नहीं रहेगा तो कोई भी अधिकारी कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। क्लियर कट आदेश होना चाहिए, आदेश होगा। हमें सरकार के खिलाफ जाने की कौन सी हिम्मत है कि हम जाए सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए। हाँ, आदेश क्लियर कट है, जब आदेश है तो आदेश का अनुपालन भी होगा। शांतिपूर्वक जो होगा जो जैसे भी होता है हम लोग करा देंगे उसको। तो इस पूरे मामले में ना सिर्फ वकील बोल रहे हैं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है और काफी तल्ख शब्दों में उन्होंने एंट्री की है। आखिर असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्या कहा है, आइए आपको वो भी सुनवाते। हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया, 48 दिसंबर में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थी, उसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने जब कंप्यूटर भी नहीं आया था बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने ऑर्डर थमा दिया, ताले खोल दिया आपने, सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया और आपने डिमोलिश कर दिया उसके वादे के खिलाफ, और कोई किसी को सज़ा नहीं होती। अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते और 90 ये जो सर्वे कमिश्नर का ऑर्डर है ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जिसमें जस्टिस चंद्रचूड ने लिखा के 91 का एक सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक है, आप क्या कर रहे हैं? और 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हाई कोर्ट ने स्टे दिया था। किस राह पर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं आप? बहुत गलत काम हो रहा है ये। उस मस्जिद की कमेटी को और पर्सनल लॉ बोर्ड को फौरन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के इन छुट्टियों से पहले सुप्रीम कोर्ट को जाकर इस वायलेशन को जो कोर्ट के जजमेंट का हो रहा है और पार्लियामेंट के एक्ट का हो रहा है उसको रुकाने की जरूरत है। ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।